जो भी करता हूँ अपनी मन मर्जी से करता हूँ, किसी के इशारों पे चल के बात नहीं बनती, और मुंह पे कड़वा सच बोलने की बुरी आदत है शायद बहुत से लोगों के साथ मेरी, इसी वजह से नहीं बनती। जिद पे आ जाओ तो पलट कर भी ना देखो मेरी जान, तुमने मेरा सबर अभी देखा ही कहा। मैंने एक बात जान ली है कि चाहे कितनी भी बुरी किस्मत हो, मेहनत करते रहो, कभी भी हार मत मानना मेरे दोस्त, क्योंकि जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। माफ करना अगर किसी से बात ना कर पाऊं तो, थोड़ा जिंदगी बनाने में बिजी हूं अभी। अंधे बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो, यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वालों को करने देंगे, और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। सुनो, थोड़ा वक्त तो लगेगा लेकिन धमाका जोरदार करेंगे। घर वाले कहते हैं रात भर सोता क्यों नहीं है, अब उन्हें कैसे बताऊं छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा इंसान बनना है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है और पहाड़ पर से उतर रहा व्यक्ति अकड़कर चलता है। तो कोई झुककर चले तो समझ जाओ कि ऊंचाई पर जा रहा है, और अकड़कर चले तो वही है ना, फिटनेस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं इसलिए बोलता हूँ कि फिटनेस, क्योंकि आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। आदमी पूरी मेहनत करके 45 की उम्र तक शरीर को बर्बाद करके पैसा कमाता है, फिर 45 से 55 तक पैसा लगा के शरीर संभालता है, तो मतलब का क्या हुआ शरीर। मुद्दा यह नहीं है कि हमारा दिल तोड़ा गया, तकलीफ इस बात की है कि साला किसी और को खुश करने के लिए हमें अकेला छोड़ा गया।